subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. कोरोना काल में मानवता के जो काम हुए हैं उसको अगर हम लिख लें फिर उसको ऑनलाइन व्यवस्था करें, आप देखिए ये एक आपकी बहुत बड़ी अमानत बन जाएगी। और फिर पुलिस विभाग में पुराने लोग होंगे वो भी, जो नई पीढ़ी होगी वो भी, और भविष्य की पीढ़ी होगी भी, उसको भी लगेगा कि मानवीय व्यवहार की ताकत बहुत बड़ी होती है। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना कालखंड में आप लोग, क्योंकि उसी समय आपको फील्ड में जाने का मौका मिला, लेकिन आपके सामने वही काम रहा, आप उसमें से जो अच्छी बातें हैं लोगों को पहुंचाएंगे। और खाकी के प्रति गर्व होना ये बहुत अनिवार्य है, खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहाँ पर मजबूरन भी किया करना पड़ा होगा, सुबह उठ उठ करके जाना भी पड़ा होगा, मैंने भी उस मैदान में योगा किया हुआ है जिस मैदान में आप लोग करते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं ये कितना बेनिफिट करता है। और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा, काम कितना ही होगा आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। लगातार आपके यहाँ से निकलने वाले सब साथियों को रूबरू में दिल्ली में मिलता था, मेरा सौभाग्य रहता था कि मेरे निवास स्थान पर सबको बुलाता था, गप्पे गोष्ठी भी करता था, लेकिन कोरोना के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसके कारण मुझे ये मौका गंवाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि कार्यकाल के दरमियान कभी न कभी आप लोगों से भेंट हो ही जाएगी।
भाई मुट स्लूट हाय कॉस्ट ट्रेवल जीवी केतन नामजा सतेश मानी अटैक लड़ा कोविड हाय कॉस्ट ट्रेवल जीवी संजय कुमार सावल पांचवी वाणी कोविड हाय कॉस्ट ट्रेवल जीवी फ्रेंड प्रतिनिधि सिंह पांचवी वाणी कोविड The Prime Minister, and you mentioned that chose to use SAARC as a mechanism to reach out to South Asian leaders during the initial phase of the pandemic. I think it was a gesture that was appreciated by the entire SAARC leadership. It facilitated cooperation at a level that did not exist earlier. We were able to initiate the SAARC Emergency Response Fund. India committed $10 billion to it, but each and every SAARC country also put in money to this. And this has been the reservoir which has provided for our supply of medicines, equipment, test kits to many of our neighboring countries, including rapid response teams to some of our neighbors to help them deal with the capacity constraints that they faced in dealing with the magnitude of this crisis. One of our neighbors has been consistently involved in blocking SAARC in all of its constructive activities. Now, of course, if you take any initiative within SAARC, you need consensus, and any initiative that is constructive is blocked. अभी प्रिपेयर्डनेस जो है वो सिचुएशंस जो चल रही हैं उनको आने वाले दिनों में डील करने के लिए सर क्या क्या तैयार हैं? अभी जैसे आपको मालूम है पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थी, जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। कितना तैयार हैं चाइनीज आर्मी से डील करने के लिए? जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। यू हैव रीच ले एंड रिव्यूड ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस सर, हाउ डिड यू एनकरेज सोल्जर्स मोटिवेशन एंड व्हाट डिड यू टेल देम? वेल, आफ्टर रीचिंग ले आई गॉन टू वेरियस प्लेसेस एंड इन ईच ऑफ दीज प्लेसेस आई मेट द ऑफिसर्स, द जेसीओस, द मेन, and I took a first-hand account of the situation on the ground, and they are highly motivated, their morale is high, and they are fully prepared to deal with any situation that may arise. I would like to reiterate, as always, that our officers and men are the finest in the world, and they will not only make the army proud, but also the nation proud. Sir, what is the current situation right now? Well, the situation along the LAC is slightly tense. Keeping in view of the situation, we had undertaken some precautionary deployments for our own safety and security. And these deployments we undertook along the LAC so that our security and integrity remain safeguarded.